दिलीप सिंह बघेल, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी लालगंज। सूरज श्रीवास्तव को लालगंज का अध्यक्ष बनाया गया है, इससे पार्टी को क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं? पहली बात, सूरज जी युवा साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जब से काम कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, और उनसे हम लोगों को ऊर्जा भी मिलती है, इसलिए संगठन और मजबूत होगा। और हम लोग बूथ बूथ पर जाएंगे सूरज भाई को लेकर और अपने जिला अध्यक्ष को लेकर, और 2024 में पुनः लालगंज हम लोग फतेह करेंगे। और क्या लग रहा है कि एक युवा हैं और नई सोच, नई जो है नया तजर्बा जो है, इससे पार्टी और मजबूत होगी? जी, युवाओं का साथ रहेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर हम लोग काम करेंगे, और सूरज जी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लालगंज हम लोग जीते। शेष नेतृत्व ने ये जो जिम्मेदारी दिया इनको, क्या लग रहा है कि सूरज जी जो है उसको निभाएंगे? शीर्ष नेतृत्व ने युवा पर विश्वास किया है और पूरा युवा साथी इस पर खरा उतरने का काम करेगा। शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद भी हम देते हैं। इसमें क्या माहौल है, उनको अध्यक्ष बनाया गया आजमगढ़ लालगंज? माहौल बहुत अच्छा, युवाओं में जोश है, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता है सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं सूरज जी को, और युवा तो सूरज जी के साथ सदा ही रहे हैं। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।